अचानक आई बारिश ने एक बार फिर किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हरियाणा के करनाल में तेज बारिश के चलते मंडी में रखा गेहूं पूरी तरह से भीग गया है, जिससे किसानों को एक बार फिर काफी नुकसान हुआ। किसान हर दिन की तरह बुधवार को भी करनाल की मंडियों में गेहूं लेकर पहुंचे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दोपहर को अचानक बरसात ने किसानों के सामने परेशानी खड़ी कर दी। अचानक आई बरसात से करनाल मंडी में गेहूं भीग गया। गेहूं को बचाने के लिए काफी कोशिशें की गई, लेकिन वो सब नाकाफी साबित हुई। मंडियों में तिरपाल की व्यवस्था नहीं थी, जिससे किसान बेहद निराश नजर आए। किसानों ने सरकार से मांग की कि मंडियों में किसानों के लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि आगे से ऐसी हर स्थिति से निपटा जा सके। तिरपाल दी है जी, देखो आपके सामने पड़ी है जी, कुछ बच गया है, कुछ बिगी भी है। हाँ जी, प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे, व्यवस्था कैसी लगी है यहाँ की? व्यवस्था देखो जी आपके सामने है जी, व्यवस्था में व्यवस्था करना की भी दिमारी जी, सारा आपका अनाज खुले आसमान के नीचे। हाँ जी, सरकार से क्या कुछ मांग सकते हैं? सरकार को ही करना चाहिए, पूरी व्यवस्था होनी चाहिए जी, किसान को पूरी सुविधा मिलनी चाहिए जी, मंडी की तरफ अपनी फसल लेके आता है जी। पिछले दिन की बारिश आई थी, फसल कट के आ चुकी है। हाँ जी, खरीद हुई है जी? तो सरकारी है जी, वही है आज तोल होना जी। चौकी बारिश आ रही है, कई घंटे हो गए बारिश आ रही है, सुविधा नहीं है, माल नहीं उठ पा रहा है मंडियों में। लिफ्टिंग की क्या व्यवस्था है? लिफ्टिंग की बढ़िया है, नू है, माल आएगा फिर इसके बाद ही उठेगा, ये भी सुविधा आ गए थे, आगे करेंगे कई माल रखेंगे। जैसे बोला गया था खरदर के पास भी तेज बारिश रहने वाली है, अठारह खुले आसमान के नीचे मौसम तो अच्छा था एकदम आया, बस अचानक सरकार भी क्या कर सके, एकदम साइड है तो साइड के नीचे तो लगी रही है इतनी, तो एकदम तो कोई जगह मिलती नहीं। करनाल से कमलदीप की रिपोर्ट। खेती किसानी से जुड़ी जानकारियों के लिए देखते रहें किसान तक।